हम कर्फ्यू नहीं लगाना चाहते, लोग बिना जरूरत घरों से ना निकलें, हम सब मिलकर इस वबा के खिलाफ लड़ेंगे, तिब्बी आलात की कमी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बनू यूनिवर्सिटी में कायम करंटीना सेंटर का दौरा, कहते हैं जखीरा अंदोजों को माफ नहीं करेंगे, हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है, गरीब खानदानों को नकद रकम देंगे। रिक्वेस्ट है कि वो अपने घरों पे रहे, बला जरूरत न निकले, उनकी नीड्स के मुताबिक अगर वो कुछ अपने लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, खासकर फूड्स आइटम्स के हवाले से, तो उसके लिए निकल सकते हैं, बाकी हम पूरे का पूरा कर्फ्यू तो नहीं लगा सकते। ये मैं नहीं कहूंगा कि हमारे पास सब कुछ मौजूद है, पीपीएस की हमारी कुछ कमियां है, वेंटिलेटर्स की कमियां है, लेकिन उसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो होर्डिंग करेंगे, जो जखीरा अंदोजी करेंगे, उनको मैंने माफ नहीं करना, ये मैंने खुल के उनको बताया हुआ है। इस तरह है जो हुकूमत से हो सकता है वो हमने किया हुआ है। तकरीबन 21 लाख के करीब खानदान खैबर पख्तूनख्वा में उनको गवर्नमेंट रिलीफ देंगी। जो एहसास का डाटा है, जो बिस्क का डाटा है, दो तीन दिन के अंदर अंदर उनको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। हुकूमत उनको फैसिलिटेट करेगी, उनको हम नकद पैसे देंगे, वो आप उनकी अपनी मर्जी है कि उनके साथ वो क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या चीज़ उनकी जरूरियात है वो उनसे खरीद सकते हैं।